वहाँ पे और किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं? यह कांवड़ मार्ग के निरीक्षण करने के लिए आज मुजफ्फरनगर आया हूँ। इससे पहले मैं मेरठ में एक मीटिंग किया था सभी अधिकारियों के साथ, और वहाँ मीटिंग करने के बाद पूरा जो कांवड़ मार्ग पर जो है जो व्यवस्थाएँ हैं और जहाँ जहाँ रोड का जो कट्स वगैरह होंगे वो सब चीज़ें देखते हुए मैं यहाँ रामपुर तिराहे पर आया हूँ। तो ये बेसिकली जो है जो समस्या रहता है लगभग 150-200 का आसपास में डीजे रहता है, बड़े गाड़ियों के ऊपर डीजे चढ़ के जो चलता है, उन सब से बात भी कर लेंगे ताकि जो है वो उनका जो मार्ग भी है, जो मार्ग निर्धारित है उस मार्ग में वो चलेंगे। तो इसी प्रकार जो है कांवड़ियों का मार्ग में और भारी वाहनों का कहीं मिक्स ना हो उसके लिए भी यातायात व्यवस्था का वो अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए वो भी हम लोग चर्चा किया था। और मार्ग में जो है जहाँ जहाँ ये कांवड़ियों का पैदल यात्री जो आते हैं उनका जो रोड क्रॉस करने का जो जगह पर है, जो आने वाला जो वाहनों का ट्रैफिक को रोक के उनको भेजने का व्यवस्था भी हम लोग प्लान किए हैं। इस प्रकार की जो कांवड़ शिविर जो रास्ता में जो लगता है वो शिविरों के पास पार्किंग व्यवस्था का भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। तो वाहनों का अलग पार्किंग का बोर्ड भी लगेगी और बोर्ड का जहाँ बोर्ड लगेगी वहाँ वाहनों का पार्किंग हो, तो इस प्रकार की एक अच्छा व्यवस्था बनाने का। सर, सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती है कांवड़ यात्रा के बीच, ऐसी क्या व्यवस्था आप करेंगे इस बार जो कोई ऐसी कमी आए सड़क की? यही जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जो इस बार एक्सीडेंट जीरो एक्सीडेंट लाने के लिए हम लोग कार्य योजना जो तैयार किए हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपका जितने ये जो वाहन जो जाएंगे इस रोड पर जो रूटों पर जो वाहन जाएंगे और जो पैदल यात्री लोग होंगे उनका आवागमन कहीं मिक्स ना हो, उनका अलग अलग व्यवस्था हो और वाहनों का पार्किंग अलग हो और वाहनों का जो जाने का जो स्पीड है स्पीड पर भी नियंत्रण होगा। रूट डाइवर्जन की क्या व्यवस्था रही, कब से? रूट डाइवर्जन का जो है आपको पूरा एसपी साहब के तरफ से आपको ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख से जो है भारी वाहनों का डाइवर्जन शुरू हो जाएगी और हल्के वाहनों का चलने लगेगा, मगर इसके संबंध में पूरा विस्तृत विवरण आपको कप्तान साहब के द्वारा आपको दिया जाएगा।